हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। पिताजी, बच्चों को कराटे क्लास आ जा, आप ले जाओ। हाँ, मैं ले जाओ। चलो जाओ, तैयार हो गाइस। और थोड़े थिक वाले सॉक्स ढूंढ लेना, क्योंकि वो नीचे फिर ठंड लगेगी ना। एंड पिताजी, मुझे बिस्तर भी बनाना है, ये चादर बदलना है। हाँ, 2 मिनट यार, तुम्हारा ही काम करूँगा। ठीक है, दिया 2 मिनट, जब मेरा काम हो जाएगा तो बता देना, फिर उठा दूंगी तुम्हें। बिस्तर बनाना है। रेडी? चलो, ना अच्छा लग रहे हो और नीचे इजी भी लगेगा करने के लिए। चलो ओके, टर हाय। फॉर्म भरे थे वो? नहीं, फॉर्म पे फोटो भी लगाना है। आई थिंक इनके फोटो भी नहीं है हमारे पास। बेटा लाइट ऑन कर देना जाते हुए। बाय गाइस, आओगे ना तब मैं सूप बना रही हूँ, कॉर्न वाला। बाय। कॉर्न सूप? हाँ ठीक है। मैंने सोचा कि आपके 2-4 रैंडम सवालों के मैं जवाब दे देती हूँ। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि घड़ी कौन सा है आपका, तो एक्चुअली ये वाले घड़ी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो ये ना गाइस, मैं पहले भी बता चुकी बट आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा, ये टाइटन का है और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। पता नहीं इसका क्या प्राइस होगा, इसके बारे में भी सवाल थे। तो जिसका क्वेश्चन है वो देखकर समझ जाएंगे कि मैं लेफ्ट हैंड में जो रिंग्स पहनती हूँ ना, उनकी डिटेल्स देने के लिए मैं इसको ना ऐसे करके पहनती हूँ। मैं पहन के दिखाती हूँ। तो ऐसे तो इसके बारे में भी सवाल थे कि ये मैंने कहाँ से लिया है। पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये सब नकली हैं, इमिटेशन ज्वेलरी है। ये मैंने सिया से लिए हैं, तीनों अलग अलग लिए थे। पहले इन तीनों को मैं अलग अलग पहनती थी डिफरेंट फिंगर्स में, फिर मैंने एक दिन ऐसे पहना तो मुझे इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले और तब से मैं इसे ऐसे ही पहनती हूँ। और मैं लेफ्ट हैंड में सिर्फ ये ही रिंग्स पहनती हूँ, बाकी अभी तो मैंने नहीं पहना है, पर राइट हैंड में मैं जितनी भी रिंग्स पहनती हूँ वो सब मेरी रियल गोल्ड हैं। और सिर्फ ये तीन मेरे पास इमिटेशन है और 2-3 साल पुरानी है, अभी तक भी अच्छी है। और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी रियल जो ज्वेलरी है ना, उससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। और एक और सवाल इसके बारे में भी बहुत आ रहा था, ये जो टैप एक्सटेंडर है, तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, तो मुझे फिर उसके बाद इसके लिए कमेंट आए। 2-3 सवालों के मैं जवाब दे देती हूँ। एक तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, दूसरा इसका ये जो बॉडी है ना, ये पूरा स्टील का है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को स्टील का कवर दे दिया है, कलर दे दिया, ये पूरा ही जो है स्टील का है। दूसरा, ये कैसा है अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है, लॉन्ग रन में कैसा रहेगा ये तो इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा। और ये फिट हो जाता है क्या? तो आप ये देख रहे हो, ये जो टैप है ना, ये स्टैंडर्ड टैप है, ना बहुत फैंसी ना सस्ती। तो आजकल जो स्टैंडर्ड टैप मिलते हैं ना, उसमें ये आराम से फिक्स हो जाता है। और ये मूवेबल है और आप चाहें तो मूव कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं होल्ड करते तो ये सीधा नीचे पानी गिराता है। फिर मुझे अगर मिलता है तो मैं इसका लिंक आपके लिए रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ के। पर है बहुत पर्पसफुल चीज़, जैसे आप देख रहे हो ना, मेरा टैप काफ़ी ऊंचा था तो कपड़े वपड़े गीले होते थे और जब बर्तन धुलते थे तो उन बर्तनों पे छींटे जाते थे। एक्सटेंडर से एक तो बिकॉज़ ये मोबाइल है वो भी एक ईज़ हो गई, दूसरा काफ़ी नीचे तक आ गया है तो कपड़े उतने गंदे नहीं होते, अभी गंदे एज इन गीले नहीं होते, ना ही उधर बर्तनों पर छींटे जाते हैं। कि मैं कौन सा OTG यूज़ करती हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं क्रोमा का बहुत ही बेसिक सा ये अवन यूज़ करती हूँ। 4,500 रुपये का ये आया था, 2-3 साल हो गए इसको भी। तब ख़रीदा था मैंने ये जब मुझे बिल्कुल भी बेकिंग नहीं आती थी सीखने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी हाई फाई मशीन में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बेसिक सा ले लिया था, सस्ता सा। बट ये मशीन ठीक ही काम करती है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है सच। एक सवाल ये गणपति जी के लिए भी था, एक नहीं 2-3 बार भी मुझे किसी ने इनके लिए पूछा है कि ये आपने कहाँ से ख़रीदे। तो ये मैंने नहीं ख़रीदे हैं, ये एक एक्ट्रेस ने मुझे गिफ्ट दिए थे, वो एक्ट्रेस मेरी देवरानी नहीं है, दूसरी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने गिफ्ट में भिजवाया था। और ये नाइफ सेट के बारे में,
ऑयल डिस्पेंसर्स के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे थे। नाइफ सेट जब मैं लाई थी मैंने तब भी आपको दिखाया था कि ये कौन सा वाला है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑयल डिस्पेंसर भी जब मैंने खरीदे थे मैंने आपके साथ शेयर किया था गाइस, शायद आपसे वो वीडियो मिस हो गई है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए, ये मैंने लोकल ही हमारे एक जानने वाले बर्तन वाले भैया हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के पास से लाती हूँ, ये भी वहीं से लिया था। और शर्मा जी चले गए हैं बच्चों को लेकर उनकी कराटे क्लासेस में। जैसा मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, हफ्ते में 3 बार क्लासेस होती हैं, तो सैटरडे था तो शर्मा जी घर पे थे इसलिए वो ले गए, बाकी 2 दिन मैं ले जाऊंगी। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कॉर्न सूप बनाऊंगी, तो मैं बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ। कॉर्न लेकर आई थी मैं, आप चाहें तो फ्रोज़न कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ्रेश का तो मुकाबला ही नहीं है। और फ्रेश भी आप कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कच्ची वाली हो तो बहुत अच्छा उसका सूप आता है। और कॉर्न छीलना बहुत थेराप्यूटिक है, आप मुझे बताइएगा, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कॉर्न छीलने से, अगर वो अच्छे से निकलने लगे, जब अटक जाती है तो फिर झेप आने लगती है। तो बस कॉर्न छील लीजिए, और इसके बाद मैं बराबर बराबर बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा भी। थोड़े गाजर रखे थे मेरे पास तो मैंने सोचा हलवा बना देती हूँ। रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉर्न सूप की रेसिपी। और आप ज़रूर ट्राई करना, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है सूप पीना, और कॉर्न सूप तो इतना डिलिशियस भी होता है, हेल्दी भी होता है और क्विक भी बहुत है। बातों बातों में देखिए मेरी गाजर जो है सारी ग्रेट हो चुकी है, और गाजर का हलवा पकने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए मैं पहले इसको एक तरफ चढ़ा दूंगी और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। मीनवाइल मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा बाकी काम करने के लिए। और मुझे कुछ सवाल ये भी आते हैं कि मेरा फूड प्रोसेसर कौन सा है। मेरा फूड प्रोसेसर मॉर्फी रिचर्ड्स का है, और इसके बारे में एक पूरी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी पहले मैंने बनाई थी, आप चेक कीजिएगा, उसमें मैंने सारे इसके फीचर्स और मेरा क्या टेक है इसके लिए वो शेयर किया था। बहरहाल यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा चढ़ा दिया है पकने के लिए, इसको ज़रा वक्त लगता है, ये धीरे धीरे पकता रहेगा। वो साइड में आप देख रहे हो वो जो गाजर अच्छे से ग्रेट नहीं हुई, ये है मेरा सैलेड, तो बनाते बनाते ये मैं खा लूँगी। कॉर्न मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, जो कॉर्न सूप होता है ना उसमें कॉर्न ऐसे भी डाले जाते हैं मतलब होल, और प्योरी करके भी डाले जाते हैं, तो जो होल डाले जाते हैं वो उबले हुए डाले जाते हैं, और जो प्योरी करते हैं आप वो कच्चे की भी कर सकते हो। पर जब यहाँ उबालना है ही तो मैंने सारा का सारा कॉर्न एक साथ उबाल लिया, अब इसमें से आधे की मैंने थोड़ा पानी मिला के ऐसे फाइन प्योरी कर ली है, आधे उबले हुए कॉर्न मैंने अभी प्रिजर्व कर लिए हैं। तो इसको है ना पानी डाल डाल के आपको अच्छी तरह से छान लेना है, छानना यूँ तो ऑप्शनल है बट आई वुड सजेस्ट छानिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा ना इसमें हस्क जैसा होता है, ये जो कॉर्न की स्किन होती है ना ये गले में कभी कभी लगती है, तो इसलिए मैं हमेशा छान लेती हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी छान लेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे बिना छाने भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ये जो निकला है हस्क जैसा रेसिड्यू, ये नहीं चाहिए, ये आप रिमूव कर देंगे तो आपका जो सूप है वो अच्छा बनेगा, स्मूथ बनेगा। अब ये जो सूप है इसमें काफ़ी सारा पानी मैंने मिला लिया है, काफ़ी सारा सा मतलब एडजस्ट करके, बहुत ज़्यादा थिक या पतला सूप नहीं बना रही हूँ मैं, और उसी में मैंने उबले हुए कॉर्न भी डाल दिए और इसे मैं अभी उबाल लगाने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं एक स्लरी तैयार कर रही हूँ, स्लरी है कॉर्न स्टार्च और ठंडे पानी का मिक्सचर, और ये सारा का सारा तो नहीं जाएगा सूप में, मैं बस बना के रख रही हूँ, जितना चाहिए होगा आई यूज अकॉर्डिंगली। और ये देखिए इसको है ना हमें उबालना है, इसको 4-6 मिनट यानी अच्छा खदकता हुआ उबाल आने तक आपको इसे पकाना है, और मीनवाइल आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए सीजनिंग वगैरह। तो सीजनिंग में मैंने यहाँ पे डाला है नमक, और इसमें एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है चीनी, तो 1 टेबलस्पून जैसी चीनी मैंने 1 भुट्टे के लिए डाली है। मेरे पास ना सफ़ेद मिर्ची नहीं थी, सफ़ेद मिर्ची का पाउडर जाता है यूँ तो इसमें, पर काली मिर्ची इज़ इक्वली गुड, काली मिर्ची का पाउडर मेरे पास था तो मैंने वही ऐड कर दिया है। अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए, एकदम लास्ट में ये स्लरी मिक्स कीजिए 4-5 चम्मच, मैंने 4 चम्मच मिलाया था और मुझे थोड़ा सा कम लगा, और ये मिलाना उतना है जितना थिक आपको आपका सूप चाहिए, आपको बहुत थिक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा मिलाइए और कम थिक चाहिए तो कम मिलाइएगा। मैंने टोटल 5 चम्मच स्लरी यहाँ पर मिला दी, मेरी स्लरी भी बहुत पतली थी, बहुत थिक मैंने नहीं बनाया था। एंड जब आपको लगे कि सूप डन हो गया है, कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है, तो एक बार आप नमक वगैरह चेक कर लें,
और इसमें डालिए लास्ट में थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा नींबू का रस। ओके, तो ये है ना एक चाइनीज़ सूप है, तो आप इसमें जो नींबू का रस है उसकी जगह पे विनेगर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखिए सूप हो गया रेडी। अगर आप इसको बिल्कुल होटल जैसा दिखता है ना वैसा चाहते हो तो आपको इसमें काली मिर्ची नहीं डालना है, फिर वाइट पेपर डालिएगा, क्योंकि ये जो काले काले पार्टिकल दिख रहे हैं ना आपको, ये काली मिर्ची की वजह से है। सफ़ेद मिर्ची डालेंगे तो ये काला काला नहीं दिखेगा। और इसके ऊपर जो झाग जैसे आ रहे थे ना, वो बेसिकली कॉर्न के पार्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने तो हटाया नहीं। आप चाहें तो उसे उतार के फेंक दीजिए तो इसमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे और एकदम क्लियर सूप जैसा होता है ना वैसा दिखेगा। बट ट्रस्ट मी, इस तरह से बनाएंगे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कॉर्न के पार्टिकल कभी नहीं हटाती हूँ, इनसे एक अलग ही टेक्सचर मिलता है सूप को। सानवी खुश है? यस मम्मा। हां मम्मा। सूप टाइम। मैं लेकर आती हूँ, बैठो बाहर बैठो। ओके। कॉर्न सूप एक चाइनीज़ सूप है, इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप इसमें मलाई वलाई ना डालें, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता इसमें। और आज क्या सीखा कराटे क्लास में सानवी खुशी? 6-7 अटैक्स। क्या हो गया सानवी? खाती। वो तो दिख रहा है। हाउ वाज द क्लास? टायरिंग। टायरिंग। अब तो ये तो परमानेंट ही रहने वाला है तुम्हारा डायलॉग, बिकॉज इट विल बी टायरिंग ओनली। सर जी हाउ इज सूप? अच्छा लगा। मस्त एकदम। आज जब मैं सूप बना रही थी ना, मुझे पापा की याद आ रही थी, उन्हें कितना पसंद है कॉर्न सूप। पापा को बहुत अच्छा लगता है, उस उनके लिए उन्होंने दोबारा बनाया था, याद है? हाँ, वो कह रहे थे कि कॉर्न मुझे दे दो, मैं खोल देता हूँ पर दोबारा बनाओ। उन्हें इतना पसंद आया था। हाँ, मुझे याद आ रही थी पापा की। पापा को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, एक तो तेरे हाथ का सूप और एक तेरे हाथ की चपाती बहुत अच्छी लगती है पापा को। पराठे। हाँ पराठे, सॉरी नॉट चपाती। उनको वो ऐसे ना वो पनीर की सब्जी ये सब कम पसंद आता है, पराठे सूप चटनी रोटी दाल ये सब ज्यादा पसंद आता है। बहुत अच्छा बना है। हाय हाय मेरे मंचकिन, सच्ची सही में। चलो फटफट फिनिश करो। मंचकिन मतलब? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे ना पता। ऐसे बोलता है क्यूट को तो मैंने कह दिया। देखो तो जरा डाइनिंग टेबल की हालत, ये बॉटल यहीं पड़ा है स्कूल से आके। मतलब इनका सामान कोई बात नहीं, पिताजी का भी है अपना एक ही है, कोई नहीं हो जाएगा क्लीन। क्यों आप गुड़ नहीं खाते क्या? और यहाँ देखिए खुशी बैठे हुए क्या कर रही है। खुशी क्या कर रही हो? मैं नींबू पानी बना रही हूँ। नींबू पानी? एक्चुअली वो एक नींबू था ना, उस नींबू में से मैंने थोड़ा सा नींबू अभी उसमें डाल दिया था ना सूप में। हाँ। तो ये आधा सा बचा हुआ था ना, और इन बच्चों को शक्ल दिखाना, बच्चे इन बच्चों को जहाँ नींबू दिख जाए ना नींबू पानी बनाना है। पता नहीं कहाँ से सीखा, इतना शौक क्यों लग गया। मुझे अच्छा लगता है बनाना। नींबू पानी बना रही है। और बाय द वे इस बैंड के लिए भी बहुत लोग पूछ रहे थे, यार ये कोई हाई एंड बैंड नहीं है, ये फिटनेस बैंड है हुआवेई का, है शर्मा जी? ऑनर है ये। और हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा नींद वींद का थोड़ा इशू हो गया था, नींद नहीं आती थी रात में, तो वो सब ट्रैक करने के लिए शर्मा जी ने ये मंगाया था। दो हैं ये, एक शर्मा जी का और मेरा, पर ज्यादातर बच्चे ही पहनते हैं इसे डे टाइम में अपने स्टेप्स काउंट करने के लिए। कराटे की वजह से मैं ना नींबू को अच्छे से नहीं चोरती हूँ अब। आज तूने नींबू का रस नहीं तेल निकाल दिया। और यहाँ देखिए हलवा भी तैयार हो गया है, बस इसको मैं एक फाइनल टच दे दूँगी अच्छी तरह से, इसका जो लिक्विड एक बार ख़त्म हो जाएगा ना इसे मैं सर्व कर लूँगी। और विंटर्स में गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ तो गुजरात में अब ज़्यादा दिनों की सर्दियाँ रही नहीं हैं, एक बार उत्तरायण हो जाए तो उसके बाद सर्दी जल्दी ही चली जाती है। आजकल तो है काफ़ी सर्दी, हवाएं बहुत ठंडी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ इससे पहले कि सर्दियाँ टाटा बाय बाय कर दें। गाजर का हलवा देखिए कितना मस्त बना है, एकदम इजी वाला मेरा मेथड है। मेरा रेसिपी का लिंक मुझे याद रहेगा तो मैं ज़रूर से आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी।
और इसके बाद फरमाइश हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की। मैं कल ये पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी, कल हम लोग बाहर गए थे तो आते में ये पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी मैं। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस है, बहुत ही ईजी वाली एक रेसिपी आपको दूँगी मैं और बहुत ही आसान भी है। एक प्याज काट लिया है मैंने और एक ही कैप्सिकम काट लिया है और थोड़े से कॉर्न, ये सारी चीज़ें मिला के इसमें सीजनिंग डालिए आप। मैंने यहाँ डाला है पिज़्ज़ा सीजनिंग, आप चाहें तो वो ऑरिगैनो ये वो जो भी आपको पसंद आता है ना उस तरह से डाल सकते हो। तो मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है और बस चिली फ्लेक्स डाले हैं एंड हो गया। और इसके बाद मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लूँगी, वो जो सब्ज़ियाँ थी ना उसको मसाले डाल के ज़रा सी देर मैरिनेट करें, नमक ना मिलाएं इसमें। और इसके बाद ये सारी सब्ज़ियाँ ना बटर में तेज़ आंच पे आपको भूनने हैं और भूनिएगा इस तरह कि थोड़ी सी ना स्मोकी हो जाए, इसका जो पानी है ना पूरी तरह से सूख जाए। आमतौर पर जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना तो सब्ज़ियाँ ऐसे ही ऊपर से लगा देते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पर ये पिज़्ज़ा आज मैं तवे पर बनाऊँगी इसलिए मैंने इन सब्ज़ियों को अलग से रोस्ट कर लिया है। और एक बार रोस्ट हो जाएंगी तो कढ़ाई साइड में रख दीजिए, तवा ज़रा गरम करके इसके ऊपर आपका पिज़्ज़ा बेस रख दीजिए। यह है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस, मैं बाहर से लेकर आई थी। एक तरफ से ये पक जाएगा, गैस बंद कर दें, इसको पलट के जहाँ से सिक चुका है वहाँ पे आपको लगाना है आपका जो पिज़्ज़ा सॉस है, या तो नॉर्मल जो टमेटो केचप होता है ना वो भी लगा सकते हो आप। इसके ऊपर स्प्रेड कर दें आपकी सब्ज़ी का मिक्स, इसमें हमने नमक नहीं डाला है, मतलब मैंने तो नमक नहीं डाला है, आप चाहे तो ज़रा सा नमक मिला सकते हो। और ऊपर से डालिए चीज़, और ये चीज़ है मोज़रेला प्लस चेडार, आप प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इसे ढक्कन लगा के पकने दीजिए एकदम लोवेस्ट फ्लेम पे, और इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब तक आपको ऊपर से चीज़ पिघलती हुई नज़र आए ना तब तक आपको इसे पकाना है। मीनवाइल दूसरा पिज़्ज़ा मैं तैयार कर रही हूँ और ये वाला मैं अवन में बनाऊँगी। अवन को प्रीहीट कर दिया है मैंने ऑलरेडी 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल वैसे ही पिज़्ज़ा असेंबल कर लिया है और इसको बेक करूँगी मैं हाई टेम्परेचर पे 5 से 6 मिनट के लिए। और ये पिज़्ज़ा रेसिपी इतनी आसान है, आपका जब दिल चाहे आप बना सकते हो। बस इसमें क्या है कन्वीनियंस कि आपको जो बेस है वो बना बनाया मिल जाता है, तो वो जो 1.5-2 घंटे का काम है ना बेस बनाने का, आपको उससे छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ देखिए ऊपर से जो चीज़ है ये पिघल चुकी है और क्रस्ट नीचे से पक चुकी है, तो मैंने ये वाला पिज़्ज़ा रिमूव कर दिया है तवे पर से और ये हो गया तैयार। और दूसरा पिज़्ज़ा मैं रख दूँगी अवन में। और ये वाला पिज़्ज़ा है ना जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस वाला होता है, ये तवे पे बहुत अच्छा बना था, अवन में उतना मज़ेदार नहीं बना था। जो आप डो से बनाते हो ना वो वाला अवन में मस्त बनता है, और ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट रह गया, तो इसलिए हम लोगों को जो तवे वाला है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी था वो ज़्यादा पसंद आया। बस इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।